हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट के सीआईएसआई के सेशन में। आज फिर हम लोग बहुत सारी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल भी हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर लें, ताकि ये नॉलेज जो है सभी लोगों तक पहुँच सके। हम लोग एक्सेप्शंस तक की बात करने वाले हैं, तो चीज़ों को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तब आपके लिए पूरे पूरी फायदेमंद होगी और समझते भी जाना है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने। ठीक है, मैं आज का जो सेशन है उसमें खास करके बता दूं, आज मैं एक कॉन्सेप्ट को डील कराऊंगा जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मीन्स ओनली सेकेंड ईयर, ओनली थर्ड ईयर, ओनली फोर्थ ईयर, ओनली फिफ्थ ईयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसी बेसिस पे हम लोग उनके चार सवाल, पांच सवाल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है मिक्स्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये हम लोगों का थ्योरी के लिए आखिरी सेशन होगा, उसके बाद हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और सवालों को सीखते जाएंगे। एक और चीज है जो सक्सेसिव है, जो मैं किसी भी सवाल मैं अगले सेशन में जो है उसको सवालों में ही थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं और पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। ठीक है, हम लोग, मैं पहले ही बताया हूँ कि मैं शुरू से जो भी बताऊंगा वो एक्सेप्शन तक पे लगेगा, ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, हमें मालूम है कि रेट दो प्रकार का होता है, मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में ही बताया है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, पहला लिंक जो अटैच्ड है वो पिछला वाला वीडियो, मैं यही सजेस्ट करूंगा आप पिछला वाला पहले एक बार देखो, ये चीजें जो है ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएंगी। ठीक है, रेट हमारा दो तरह का होता है, एक होता है 20%, 12.5%, ये सब टाइप का। ये इसका अंतर क्या है कि ये 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 12.5% 1/1, ये दोनों एक ही तरह का है। एक और रेट होता है जिसको मैं बोल दूं 15%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/10। अंतर क्या है इसमें और इसमें, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इसमें नम्रेटर हमेशा फिक्स रहता है, 1 होगा, इसमें नम्रेटर फिक्स नहीं होता, इसमें नम्रेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे एप्लीकेबल है, लेकिन एक लिमिटेशन इस केस में हमें ध्यान में रखना, और कोई खास बड़ा लिमिटेशन नहीं, छोटी सी चीज जिससे सिर्फ समझनी है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्या हमारा एक ही जगह लगने वाला है या दो ही जगह लगने वाला है। ठीक है, हम लोग यूनिवर्सल चीज पढ़ेंगे। अब यहां से देखो, अगर मैं टाइम बोल दूं कि टाइम मेरा 3 साल के लिए मुझे काम करना है, ठीक है, मुझे 3 सालों का काम करना है, तो 3 साल के लिए अगर प्रिंसिपल जो तुम मानते हो, मैंने पहले भी बताया, वो क्या मानोगे, 5 का क्यूब, यहां मानोगे 8 का क्यूब, और यहां मानोगे क्या, 20 का क्यूब। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ये 1/5 कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में मैं चर्चा करूं, तो पहले साल में अगर कोई राशि 5 होगी तो वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर मैं दूसरे साल में बात करूं तो कोई राशि क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अगर मैं तीसरे साल में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 125, और यहां से ये हो जाएगा 216। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। बेसिकली 1/5 को ही हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, 1/5 ही पकड़ रहे हैं, तो बेसिक स्केलिंग फैक्टर जो हमें मिल गया वो क्या मिल रहा है, 5 से 6, मतलब इनिशियल बेसिक जो है वो इनिशियल जो हमारा अमाउंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 5 से 6 इनिशियल, इससे छोटा नहीं हो रहा है। हमारा जो मालूम पड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उससे हमें क्या मालूम पड़ा कि कोई भी राशि 5 से 6 हो रहा है इनिशियल केस में, मतलब फर्स्ट ईयर के केस में। इनिशियल केस में तो क्या, फर्स्ट ईयर के केस में। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग जो है आगे थोड़ा डेप्थ में जाके समझते हैं। अच्छा, मैंने अभी बोला प्रिंसिपल कितना, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम लोगों ने 5 का क्यूब ले लिया। हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं एक ट्री बनाने पे, और आसानी से हम लोग, ये तो मैंने बता भी चुका हूँ पहले बार, पहले वाले वीडियो में, 1/5 करोगे तो 1/5 क्या हो जाएगा, ये 25, चूंकि साधारण ब्याज दैट इज सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल होता है, तो 25 25 25। फिर 1/5 करोगे तो 1/5 तुम्हें क्या दे देगा, यहाँ पे 5, इसका यहाँ आएगा 5, इसका यहाँ आएगा 5, और इस 5 का यहाँ आएगा 1। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है मेरा पहले साल का, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है मेरा दूसरे साल का, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है मेरा तीसरे साल। ठीक है, मैं यहां से लिख दूं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ध्यान रखना 3 साल में नहीं बोला, फर्स्ट मतलब पहला, सेकंड मतलब दूसरा, एग्जैक्ट दूसरा,
थर्ड यानी कि एग्जैक्ट तीसरा इसका रेशियो मैं पूछता हूँ, तो इसका रेशियो देखो क्या, 25, 5, 36 और 36 यहाँ से जोड़ दो, 25, 5, 30 और 6, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 30, एक सेकंड, दूसरे साल में ये जो होगा ये होगा 30 तो होगा, ठीक है, 25, 5, 30 और यहाँ देख लोगे ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब ये तो तुमने पूरा फंडामेंटल करके ए पे निकाल लिया, अब इसी से हम लोग कुछ थेसिस निकालते हैं। मैं अगर तुमसे पूछूं पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल के इंटरेस्ट का रेशियो बताओ, ठीक है, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 25, दूसरे साल का कितना है 30, सिंपलेस्ट फॉर्म में डालोगे तो ये क्या देगा 5:6, ठीक है। मैं अगर पूछूं तुमसे यहाँ पे सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर के साथ रेशियो, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर क्या है 30 और 36 है, अगर इसे भी तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में डालोगे तो ये भी तुम्हें क्या देगा 5:6। अगर मैं पूछूं तुमसे फर्स्ट रेशियो थर्ड का, तो फर्स्ट क्या है 25, 5 से 5 और 5 से सॉरी कटेगा ही नहीं है, तो यहाँ से 25 रखा जाएगा और यहाँ से 36, यानी फर्स्ट और थर्ड में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा 25:36, ठीक है। अब एक चीज देखो कि जो रेशियो हमारा इनिशियल स्केलिंग फैक्टर जो होता है वही रेशियो पे हमारा जो है पहले साल दूसरे साल और तीसरे साल का भी फ्रैक्शन बटा हुआ, पहले दूसरे का देखो अगर तुम देखोगे पहले दूसरे का भी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 5:6 आ रहा है, क्यों आ रहा है क्योंकि टाइम गैप जो है वो 1 ईयर की है, ठीक है। सेकेंड से थर्ड ईयर का जो जा रहा है टाइम गैप कितने का है 1 ईयर का है, तो वही स्केलिंग फैक्टर हो गया, लेकिन 1 से 3rd अगर जा रहा है तो टाइम गैप 2 ईयर का है, तो 5 और 6 में 2 ईयर का जाने के लिए हमें क्या करना है स्क्वायर, और पीछे आने के लिए क्या करना होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर 2 ईयर का दिए हुए है उसे हमें फर्स्ट में आना है, पीछे आना है स्क्वायर रूट, आगे जाना है स्क्वायर, 3 साल रहता 3 साल पीछे आना है तो क्यूब रूट, आगे जाना होता है तो क्या है क्यूब करना है, तो 2 साल है तो यहाँ हो गया। अब अगर मैं मान लूं मैं तुम्हें 20% दे दूं और मैं तुमसे यही पूछ दूं कि पहले साल का और चौथे साल का मुझे इंटरेस्ट का रेशियो बता दो, क्या मैं पूछ दूं पहले साल का और चौथे साल का इंटरेस्ट का रेशियो मैं तुमसे पूछ दूं, तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे कि टाइम गैप कितने का है, टाइम गैप 3 साल का है, तो 5 से 6 में 3 साल का इस मतलब कर देना है, यानी कि 5 का क्यूब और रेशियो में क्या कर देना है 6 का क्यूब। सीआई जो हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट की मैं बात नहीं कर रहा, अमाउंट का तो तुम्हें पता है, ठीक है, अमाउंट का तुम्हें पता है, सीआई की मैं बात करूं तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ये चीज तुम्हें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से ये तो हो गया टुकड़ा टुकड़ा में निकालने का बात, अब मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये उम्मीद है कि क्लियर हो गया तुम्हें, ठीक है। अच्छा चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेता हूँ, ये तुम्हें यहाँ यहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे ये समझाता हूँ, ठीक है, इस चीज को समझो एक सेकेंड, ये हाँ ये पॉइंट को मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, ये उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो है एक बेसिक सा फंडा मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो तुम समझो, ठीक है। अच्छा क्या मैं इस 25 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5×5, इस 30 को मैं 5×6 लिख सकता हूँ, इस 36 को मैं 6×6 लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मुझे ये तीनों साल का रेशियो इकट्ठे निकालना हो, 3 सालों 4 सालों 5 सालों चुटकी बजाते के साथ निकाल लोगे, ठीक है, इकट्ठे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, अब ये चीज को समझो, ठीक है। मुझे ये 3 साल मुझे मात्र मालूम है, मुझे क्या मालूम है यहाँ पे, ये सब सब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ये सब सब इसकी अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये तुम समझ गए होगे उम्मीद, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सब भी खत्म कर देता हूँ, एक मैं तुमसे पूछूं कि डायरेक्ट मुझे ये बता दो कि पहले साल दूसरे साल और तीसरे साल का बताना है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से निकल के आ गया। अब इसे मैं 2 तरीके से समझूंगा, ठीक है। देखो जब मुझे पहला साल दूसरा साल और तीसरा साल निकालना है तो एक चीज समझो कि पहले साल भी 5 से 6 रुपये हुआ, पहले साल और दूसरे साल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 5 से 6, दूसरे साल का तीसरे साल से साथ भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा 5:6, क्योंकि टाइम गैप 1 ईयर का है दोनों बार, ठीक है। लेकिन दूसरे साल में अमाउंट तो अलग अलग है, दूसरे साल का अमाउंट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा इसे 5 से गुना कर दूंगा और इसे 6 से गुना कर दूंगा, अगर ये 5 से हुआ है तो ये भी 5 से होगा और ये भी क्या हो जाएगा 6 से हो जाएगा।
देखो तो आ गया क्या, यहाँ से 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 36। अगर मुझे चौथे साल में फिर जाना होता तो तीसरे से चौथे जाने के लिए क्या होता, 5 से 6 होता। इन सब में 5 से गुना कर दो, इसमें भी 5 से गुना कर दो और इसमें जो है 36 से गुना कर दो, इधर इधर हो गया तुम्हारा खत्म। अब तुम यहां पे देख लो, अगर मैं 4 साल के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, इन 4 साल के लिए अगर मैं रेशियो लिखना चाहूं तो 5 से 6 हो रहा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 का क्यूब लिख सकता हूं, फिर मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर × 6, फिर मैं तीसरे साल में जब जाऊंगा तो तीसरे साल में लिखूंगा 5 के पावर 1 × 6 का स्क्वायर, और चौथे साल में जब मैं जाऊंगा तो चौथे साल के लिए लिखूंगा 6 का क्यूब। देख लो, पहला बार सिर्फ 5 लिखना है, दूसरे बार 5 में 1 कम 6 आ जाएगा, तीसरे बार फिर 5 में 1 कम 6 में 1 बढ़ जाएगा और चौथे साल फिर 6 में। अब अगर मैं यहां से तुमसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, चाहे जितने भी साल का मैं पूछ दूं, तुम्हें ये पैटर्न ऑब्जर्व करके तुम इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। पहला 5 के पावर 4, फिर क्या होगा 5 के पावर 3 × 6, फिर क्या होगा 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 5 × यहाँ पे, ठीक है, फिर होगा 5 का क्यूब 6 के पावर 1, फिर क्या हो जाएगा 6 के 1 2, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 3 और ये 1, और यहाँ पे फिर 5 का 1 है, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 6 के पावर 4, 0 लेना नहीं होता है, ठीक है। तो ये 5 साल का निकल के आ गया हमारा। देख लो सारा रेशियो जो है पहले साल दूसरे साल, अब सवाल जो है ना ऐसे ही आता है, ठीक है, ये सारा जो है तुम इकट्ठे एक साथ निकाल सकते हो, ठीक है, ये सारा चीज जो है इकट्ठे एक साथ निकाल सकते हो, बस इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे अब 12.5% बोलता हूँ, 12.5% एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, पहले साल का, और यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल पे भी आएंगे, ठीक है, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर का सीआई का जो रेशियो है वो बताना है। तो पहले साल के लिए क्या होगा 8 का स्क्वायर, दूसरे साल के लिए क्या होगा 8 × 9, और तीसरे साल के लिए क्या होगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर, दैट्स इट। अब अगर मैं को यहां से प्रिंसिपल पे आना है, ठीक है, यहां से मैं तुमसे पूछ दूं प्रिंसिपल पे आना है, तो प्रिंसिपल पे आने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट अगर तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है या फिर स्केलिंग फैक्टर मालूम है 8 से 9 का, ठीक है, इनिशियल स्केलिंग फैक्टर मालूम है, ये 8 से 9 या 1/8 दोनों तो सिमिलर चीज है, जस्ट पहले साल का जो सीआई होता है उसमें या तो ये डिनोमिनेटर या स्टार्टिंग वाला ये मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा प्रिंसिपल है। चाहे कोई भी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई चेंजेस मत लाना, चाहे तुम्हारा 15% ही क्यों ना रहे, 15% के लिए भी 3/20 होगा, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के लिए 20 का स्क्वायर 20 × 21, और यहाँ पे 21 का स्क्वायर होगा, और मैं प्रिंसिपल अगर तुमसे पूछ दूं तो 20 का स्क्वायर में बस 20 गुना कर देना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, 20 के स्क्वायर में क्या कर देना 20 गुना कर देना, इस 3 का कोई रोल नहीं रहेगा, रेशियो वही का वही रहने वाला, ठीक है, इस 3 का कोई रोल नहीं है, मतलब ये एक यूनिवर्सल चीज है जिससे जानना बहुत जरूरी, ठीक है, चाहे वो प्रिंसिपल निकालने के लिए हो, चाहे वो रेट निकालने के टर्म में यूज हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये चीजों को हम लोग इसी अप्रोच के साथ हम लोग जो है आगे के सवालों को देखेंगे, सवाल क्या बेसिक से लेके पूरा अपर लेवल तक सवाल जाएगा, अभी 4-5 सवाल ऐसे समझना, एक दो सवाल जो है, 2-3 सवाल जो है जो हिंदी में ही सिर्फ अवेलेबल है, उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाया मैं या समय की कमी के कारण, तो थोड़ा सा उसमें एडजस्ट कर लो, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, उसे कर लो। आगे के बहुत सारे सवाल जो है मुश्किल से हमको लगता है 3 या 4 सवाल होगा जो हिंदी में होगा, आगे के सारा सवाल जो है वो करीबन इंग्लिश में है, ठीक है, मतलब 12-15 सवाल है जो इंग्लिश में, ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो क्या बोल रहा, जनार्दन डिपोजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है जनार्दन इन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट पे R%, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्यूर्ड फॉर द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज 5,625। तीसरे साल का और चौथे साल का जो इंटरेस्ट है वो है देखो 5,000 से 6,250। अगर 1010 काट दो और 125 से काटो तो 125 से ये 4 और ये 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। क्या निकालने बोला है,
व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट एक्योर्ड फॉर द फर्स्ट टू ईयर, पहले दो साल के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना एक्योर हुआ ये। तो मैं यहां से पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल का आप डायरेक्ट रेशियो निकालूंगा, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर 4 से 5 का है, तो 4 से 5 जब जा रहा है तो पहला बार 4 का स्क्वायर, दूसरा बार 4 × 5, तीसरा बार क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 साल का निकल गया। मुझे क्या निकालना है, पहले 2 साल का, यानी 5 × 4 और प्लस में कितना 20, ठीक है, यानी मुझे 36 की वैल्यू निकालनी है और मुझे यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 का वैल्यू दे रखा है, तीसरे साल का इंटरेस्ट दे रखा है ना 5000, तो 25 का वैल्यू अगर 5000 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 1 का वैल्यू अगर 25 है, सॉरी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, 25 से काटोगे तो 25 से 200 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 36 में भी अगर हम लोग 200 गुना कर देंगे तो पहले 2 साल का हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा CI का, जो कि कितना हो जाएगा 7200, ठीक है। तो पहले 2 साल के लिए ध्यान में रखो, कितना आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया ये चीज को। देखो कभी फॉर्मूला से मन कर तो करके भी देख लेना क्या कितना डिफिकल्टी होता है, और ये रेशियो निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है, ठीक है, ये रेशियो निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। चलो एक और सवाल देखते हैं। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 1310 आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट्स टू मतलब अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है, अमाउंट का तीसरे साल का पांचवें साल के साथ, ठीक है, तीसरे साल का पांचवें साल का अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है 1310 और यहाँ पे है 16105, ठीक है, और पॉइंट में 1 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 0 चला जाएगा। अगर 1331 से काटोगे तो 1331 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 121 में और ये कट जाएगा 100। तीसरे साल का पांचवें साल के साथ अमाउंट का रेशियो 100 से 121 है, तो अगर यहाँ पे तुम देख रहे हो टाइम गैप 2 साल का है तो 1 साल का स्केलिंग फैक्टर 2 से क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 है तो स्क्वायर रूट करेंगे, आगे जाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट जब करोगे तो 10 से 11 का स्केलिंग फैक्टर निकल के आ गया। क्या अब तुम यहाँ पे देखो, तुमसे सवाल में क्या पूछा, फाइंड द सम बोरोड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। अब तुम्हें एक चीज मालूम होगा कि 10 से 11 तभी होता है जब 10% इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब 10% है तो तुम यहां से बहुत सारा अप्रोच लगा सकते हो। एक जो अप्रोच होता है, देखो दो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ कि पहला अप्रोच जो है वो हर जगह तुम नहीं लगा सकते। पहला अप्रोच क्या है कि 10% का, मैंने अपने एक दो वीडियो पहले CI के लेक्चर में मैंने बताया था कि 10% का 3 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट याद कर लो 33.1% होता है, और यहाँ पे मुझे अमाउंट मालूम है 13310, तो मैं इसमें 100 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 133.1%। अगर 133.1% की वैल्यू 1310 है तो ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 0, 1331 से काटोगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। एक तरीका मेरा ये। लेकिन अब उन फैक्ट्स, उन परसेंटेज के बारे में क्या, जहाँ पे हमारा सक्सेसिव मुझे याद नहीं होता है, जहाँ पे कुछ और फ्रैक्शन रहता है, तो जैसे 12.5% अगर आ जाए तो 12.5% का 3 साल निकालना इजी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सेप्शन तक जब सीखोगे ना तब एग्जाम में नहीं फंसोगे। अब एक सवाल मैं तुम्हें दिखा दूँ, देखो कितना आसानी से मैं निकाल दिया, ऑप्शन टिक करके मैं निकल जाऊँ, तो ये फिर हो गया क्या कि तुम्हें बस फुसला दिया, ठीक है। तो ये समझ लो, फुसलना नहीं है यहाँ पे, जो है लिटरली समझना है कि किस तरीके से जो है आगे तुम एग्जाम तक तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो इसी पैटर्न पे बेस्ड मैंने एक और सवाल लिया है जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और आएगा, जैसे यहाँ 10% आया ना जिसका तुम्हें याद रहता है, कुछ और आएगा तो सेम सवाल, डेटा सिर्फ चेंज किया हूँ मैं, ठीक है। देखो सेम सवाल है, क्या बोल रहा है, एक सर्टेन सम जो है 46656 हो जाता है 3 साल के बाद और 5 साल के बाद 5904, थर्ड फिफ्थ कितना हो जा रहा है 46656 और यहाँ से 5904, अगर तुम इसे काटोगे तो ये 64 और ये यहाँ पे 81 दे देगा, 729 से काट लेना, और यहाँ पे तुम जब आ गया तुम्हारा तो ये 64 और 81 2 साल का आ रहा है, तो 1 साल का तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 से 9। अब तुम्हें दिख रहा होगा 8 से 9 का मतलब क्या हो गया कि रेट हो गया 12.5%, 1/8 होगा ना, 1 का गैप आ रहा है 1/8, 12.5%। क्या तुम्हें 12.5% का 3 साल का सक्सेसिव याद है, या तुम क्या 12.5% का 3 साल का सक्सेसिव निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो अब तुम करोगे क्या, अब तुम्हें आना है वही बेसिक वाला, पहला साल का, दूसरा साल का और तीसरे साल का रेशियो निकालने, ठीक है।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो रहेगा। तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 9 72 और 8 1 81। ये सी आई का रेशियो है। और यहाँ से मैंने प्रिंसिपल निकालने के लिए बताया था 64 into 8, दैट इज 8 का क्यूब, 512। और यहाँ से जब तुम इसे ऐड करोगे तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ से 7 21 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 729 देगा, दैट इज व्हाट अमाउंट, कितने साल का, 3 साल का ये मुझे अमाउंट मिल गया। ये सी आई और ये प्रिंसिपल अमाउंट ही है ना, 3 साल का अमाउंट मिल गया जो कि दिए हुआ है। 466 कितना, 56। अब 729 की वैल्यू मालूम, 466 56, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू 64 आनी है। अब 1 की वैल्यू 64 आ गई तुम्हारी, तो तुमसे क्या पूछ रखा था, तुमसे पूछ रखा था फाइंड द सम बोरोड, सम बोरोड यानी कितना, 512 की वैल्यू। अब तुम थोड़ा सा यहाँ से गुना कर लो, 512 की वैल्यू 64 into 512 करना है, तो अब जैसे कर लो 64 × 510 और 12 कर लो, एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 64 × 500 करोगे तो 64 × देखो मैं इसमें भी तुम्हें बता दूँ, 64 × 500 करोगे तो यहाँ से तुम्हें 32,000 मिल जाएगा, 64 × 10 करोगे तो 640 यहाँ पे मिल जाएगा, और 64 × 2 करोगे तो 128 मिल जाएगा। जोड़ लो कितना आ रहा है, 8 6 7 2 3 हो गया आंसर। देखो भैया कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अपने माइंडसेट को रेडी रखना होगा कि हर एक सवाल जो होता है वो आसान होता है। अब ये काटने की बात है तो ये काट लो, थोड़ा सा इजी है काटना, ठीक है, 9 से काटते जाओ, 3 बार में आ जाएगा, इजी है, कोई बड़ा टफ इशू नहीं है। ठीक है, बस समझना था तुम्हें, अब तुम्हें इसे समझ के इम्प्लीमेंट करना है, बस इसको ध्यान में कि सवाल बहुत तरीके से घुमा घुमा के आ सकता है और बहुत तरीके से करने को दिया जा सकता है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में एक सवाल डाला था और मैं बोला था कि इसको मैं बताऊंगा, ये शायद कैट 2019 में आया हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, देखो कितना, मतलब 200 रुपये का सवाल है। ठीक है, 200 रुपये, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 2 ईयर व्हेन कंपाउंडिंग अ प्रिंसिपल एनुअली टू सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर द सिंपल प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल एट द सेम रेट फॉर द सेम ड्यूरेशन इज 25:24। मतलब 2 साल का सी आई और 2 साल का एस आई जो है, 2 वर्ष की अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और समान दर पर अवधि में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 25:24। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 साल का, तुम्हें एक चीज मालूम है कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 24 है तो हर एक साल का कितना, 12 और 12। ठीक है, अब अगर 2 साल का साधारण ब्याज 12 और 12 24 हो गया तो एक ही ना हमारा एक्स्ट्रा घट रहा है, तो एक अगर हम डाल देंगे तो 25 हो जाएगा क्या, 12 से देखो तो कुछ 1/12 आया होगा क्या, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकल गया 1/12, क्योंकि इसके आगे हमें परसेंटेज में निकालना नहीं, अगर परसेंटेज में निकालना होता तो 1/12 × 100 कर देता, जो आता वो हमारा आंसर होगा। लेकिन मुझे एक चीज पता चल गया कि अगर रेट 1/12 है तो स्केलिंग फैक्टर 12 से कितना है, 13। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर क्या है, 12 से कितना है, 13। ये चीज यहाँ पे समझो। ठीक है, अब एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ पहले साल का, मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ से एक चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, एक चीज यहाँ पे समझना, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ यहाँ पे पहले वाले स्लाइड। ठीक है, अच्छा वो मैंने मिटा दिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ही तुम्हें वापस समझा देता हूँ, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का मैं तुमसे सबसे पहले ये पूछ लेता हूँ, रेशियो बता दो सेकंड ईयर। ठीक है, क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमसे निकालने के लिए जो बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ओवर 3 ईयर, 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न होगा उसका रेशियो किसके साथ, उसी प्रिंसिपल पे एनुअल सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल में सेम रेट पे। तो पहले सी आई पे आते हैं। ठीक है, 12 से 13 का स्केलिंग फैक्टर है तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, फिर 12 × 13 करोगे तो 156 और 13 का स्क्वायर कितना, 169। ऐड कर दो एक 3 साल का, क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, 469 निकल के आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन तो एक है लेकिन नन ऑफ दीज भी है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बैंकिंग को पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके चल रहे हैं, तो नन ऑफ दीज भी हमारा ऑप्शन है, वहां पे नन ऑफ दीज होता है। अब 3 साल में हम लोग बात करते हैं, 3 साल में किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, एस आई की। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये ट्री जो हम लोग का बनता है वो ट्री कैसा बनता है, ये प्रिंसिपल है 1 2 3, ये पहला साल पहला साल पहला साल, मतलब यहाँ पे ये जो बैठाएगा वही सेम यहाँ यहाँ पे भी बैठेगा ना, मतलब पहले साल का जो सी आई होता है वो पहला साल का एस आई भी कहलाता है, और अगर 1 साल का एस आई 144 है तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 10 3 से गुना कर दो, 432।
हो गया ऑप्शन नंबर डी, कैट का पूछा हुआ सवाल। ठीक है, तो चीजों को समझो, चीजों को करना कैसे है और इम्प्लीमेंट करो और उसको देखते चलो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग का इतना ही सवाल है। अब हम लोग जो है धीरे धीरे सवालों को थोड़ा सा इनरिच करेंगे, अब सवालों को बदलेंगे, थोड़ा एसआई के सवालों को भी देखेंगे। एक आध कॉन्सेप्ट और है जो आगे के कुछ सवाल डील करने के बाद में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैं आपको ये चीजें जो है क्लियर होंगी और इससे बहुत सारे सवाल आसान हो सकते हैं। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चले। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल एसआई पे बेस्ड, और हम लोगों ने थोड़ा सा जो है मतलब वो जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हम लोग मिक्स्ड के और बढ़ रहे हैं। तो मिक्स्ड के और देखो क्या बोला, ए सर्टेन सम इन रुपीज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट एक्स परसेंट, एक्स परसेंट पे एक सर्टेन सम को इन्वेस्ट करा गया, कितने सालों के लिए, 5 साल। ठीक है, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट एक्स प्लस 5%, अगर उसे एक्स प्लस 5% पे इन्वेस्ट करा जाता उसी सम को, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 9200 मोर। अच्छा, ये 9200 मोर हो जाता है, तो बोल रहा है व्हाट इज द सम, सम बताने के लिए हमसे पूछ रहा है कि सम क्या होगा ये बता दो। मैं कोई एक चीज बताओ कि ये 9200 अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले x परसेंट था और अब क्या हो गया, x प्लस 5%, मतलब 5% की वृद्धि के कारण ही ना ये 9200 में ज्यादा मिल रहा है। 5% की वृद्धि कितने साल तक हुई, 5 साल तक हुई, तो टोटल कितना का वृद्धि हुआ होगा, 25% का वृद्धि, और इस 25% की वृद्धि के कारण ही ना मुझे 9200 मिल रहा है एक्स्ट्रा, मतलब 25% इक्विवेलेंट टू 9200। सम निकालना है तो 100% निकाल दो, 25 से क्या किया, 4 गुना किया 100 आने के लिए, तो इसमें भी 4 गुना कर दो, 4 जब गुना करोगे तो 9 चौका 36 और 36 800 हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज को समझना, और इसी पे बेस्ड मैं जो है वीडियो के अंत में एक सवाल छोड़ के जाऊंगा, उसका आंसर जो है तुम्हें कमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारा, अगला सवाल को समझते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है एक सम पे, कौन सा सम पे, 37500 पे, जहां 1 होल 1/3 है। 1 होल 1/3 का मतलब क्या हो गया, 12 महीना, और ए 12 का 1/3 यानी 4 महीना, यानी कि कितना महीना हो गया, 16 महीना। ठीक है, 16 महीने के लिए 12% पर है ना, मतलब वार्षिक 12%। अरे भैया, अगर 12 महीने में 12% लगता है तो अब यहां से एक महीने में बोल सकता हूं 1% लगेगा। ठीक है, अब मुझे जैसा सवाल रहेगा उसके हिसाब से करना होगा। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, 8 महीने में इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, मतलब मुझे 8 महीने का इंटरेस्ट जानना होगा। अगर 1 महीने का 1% तो 8 महीने का कितना, 8%। ठीक है, 8 महीने का अगर 8% है और 16 महीने जाना है, मतलब 2 टर्म में जाना है। ठीक है, कितने टर्म में जाना है, 2 टर्म में जाना है। मतलब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले वीडियो में फॉर्मूला में मैंने बताया था कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 जो होता है टू दी पावर n, ये n टर्म को बताता है। यहाँ पे देखो 8 महीने के हिसाब से तुमने 16 महीने में कितना बार इंटरेस्ट दिया, तो 2 बार दिया, यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा फॉर्मूला वर्मूला नहीं यूज करें, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। भैया 8% है, 2 साल का सक्सेस है, तो मुंह पे निकाल सकते हो 8 और 8 16, और 8 × 8/100 यानी कि 0.64। ठीक है, यानी कि 8% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो 16.64 निकल के आएगा। तुम्हें सीआई ही बताना था ना, यानी 37500 का तुम्हें क्या निकालना है, 16.64% निकालना है, ये भी हटेगा तो 0 आ जाएगा, 2 0 2 0 खत्म किया। 25 से 4 बार में और 25 से काट दो 15 बार, 4 से काट दो 416 बार में। अब गुना करना है, जैसे गुना करना है कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है गुना करने में, मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है 15 × 60 = 6000 और 16 × 15 होता है 240, ऑप्शन नंबर हो गया बी, 6240। बस इतना ही, इस 400 को स्प्लिट करो ना, 400 + 16 खत्म हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो कैलकुलेशन टेक्निक को भी नहीं बोलना है, सीआई में सबसे ज्यादा काम देता है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारा क्या है, क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इन्वेस्टेड, कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम पे, कौन से सम पे, 2 साल के लिए 10% पर एनम से इतना हो जाता है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली 10 साल में, 2 साल में अमाउंट दिया हुआ है ना, 10% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई पे 21, और अमाउंट जानना है तो 121।
ठीक है। देखो मैंने ये सवाल क्यों पकड़ा है, मैं बताता हूँ। 1522.50 हमारा ये 121 की वैल्यू है, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/22.5 बटे में 121 को लेकर सौ, नीचे 10, ठीक है, 10 काट, क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज समझो, तुम्हें इसे काटने में या तो तुम 11 से काटो या तो 121 से काटो, आसानी से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। देखो तुम ना दो तीन ऑप्शन जो है ना ऐसे ही छाट सकते हो, अगर ये नन ऑफ दीज मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, या नन ऑफ दीज की जगह कुछ और ऑप्शन ही, तो चूंकि मैंने अपने से दे रहा, ठीक है, तो मैं अगर इसे हटा दूं तो क्या होगा, अगर ये 1 है तो 1 से कोई भी यहाँ पे 5 आने के लिए यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 5, और उसके पीछे कोई नंबर होगा 2, 3, 4 कुछ भी बला बला, ठीक है। अब देखो 10 है, अब यहाँ पे देखो 5 और 10 का मिश्रण कहाँ पे, चूंकि यहाँ 2 0 है तो ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, होगी ऑप्शन खत्म, ठीक है। लेकिन अगर दो ऑप्शन रहता तो एटलीस्ट दो ऑप्शन तो कट जाता, तुम डायरेक्ट फिगर आउट कर सकते थे काटने के लिए कि 121 गुने 7 करेंगे पहले, फिर 2 करेंगे, फिर 5 करेंगे, डायरेक्ट फिगर आउट कर सकते। यहाँ के बाद अब अपना जजमेंट या अपना सवाल, जरूरी नहीं है कि यही डेटा आएगा, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हें वहां पे अपना लगाना है। इसलिए मैंने ये सवाल को पीके सवाल में क्या था, ठीक है, 2 रुपए का भी सवाल नहीं था, 200 तो दूर की बात। चलो एक और सवाल देखो, सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ अ सर्टेन सम एट 5%, 1/8 रुपया 5% के लिए, 3/5 रुपया 6% के लिए, एंड 2 साल के लिए, सारा 2 साल के लिए, देखो 2 साल 2 साल, ठीक है, और रिमेनिंग 10% 2 साल के लिए, ठीक है। इफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1674, भैया सारे जब 2 साल के लिए रहे तो 1 साल का कितने, 2 साल में अगर 1674 कमा रहा हूं मैं तो 1 साल में कितना, 800 और 3 और 7, 837 कमाऊ, तो ये 2 साल का खेला जो है ये खत्म हो गया, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है, मैंने बहुत सारे अपने सेशन में बता रखा हूं मैं, कि अगर फ्रैक्शन में है तो नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और उसी को टोटल मान लो, टोटल हो गया 8 × 5 = 40, टोटल 40। 1/8 करोगे तो 5, 5 × 5 यानी कितना, 25%, ठीक है। 3/5 करोगे तो 3/5 जब करोगे तो 3/5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 किया तो ये 5 हुआ, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके तुम्हें बताता हूँ। 1/5 किया तो तुमने यहाँ पे ये 5 हुआ, ठीक है। 3/5 करोगे तो 5 से 8, 8 + 3 = 24, ये 24 हुआ, 24 × 6 जब करोगे तो 144, ठीक है। बोला अब रेस्ट, ठीक है, बाकी जो बोला वो क्या बोला, एंड द रिमेनिंग रेस्ट, तो 24 ले लिया, 5 ले लिया, 24 × 5 कितना हो गया, 19 हो गया, सॉरी 24 × 5 = 29 हो गया, 29 में 40 चला गया, तो रिमेनिंग के लिए कितना बच गया, 11 रुपए, 11 रुपए 10% के हिसाब से कितना दे देंगे, 110 दे देंगे, सारे परसेंट में आ गए, जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद क्या मिल गया, 279% को भी ऐसे 100 में चेंज कर, और इसकी वैल्यू 837 दे रखी है, अगर इसे काटोगे तो ये 3 बार में कटेगा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी, 300, मुझे टोटल सम बोला था ना, टोटल सम कितना माना था मैंने, 40, 40 की वैल्यू निकालोगे तो 40 × 30 300, 12,000 ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगर चाहोगे तुम तो ये सवाल को तुम मुंह पे भी कर सकते हो, अगर चाहोगे तो, ठीक है, नहीं चाहोगे तो फिर कोई उपाय नहीं, क्लियर है। चलो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ रहा हो, एक बेहतरीन सवाल, अब यहाँ पे तुम देखो क्या बोल रहा है, टू इक्वल सम्स आर लेंट, प्रिंसिपल इक्वल है, किस पे, 8% 4% सिंपल इंटरेस्ट पर है ना, रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम, टाइम भी सेम, ठीक है, सॉरी एट द सेम टाइम मतलब एक ही साथ है, एक ही साथ, ठीक है, एक ही साथ मतलब 2014 में दोनों राशि को उधार दी गई है, ऐसा नहीं है कि दोनों का समय एक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, उधार देने का समय एक है, आने का समय जो है कौन कितने समय के लिए लगाया, ये अलग अलग, ठीक है। द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 ईयर अर्लियर देन द अदर, पहला सम जो है दूसरे से क्या होगा, 2 साल पहले रिसीव होगा, ठीक है, पहला सम दूसरे से 2 साल पहले रिसीव हो गया, एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इज 1450, अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ है वो क्या है, 1450। अब एक चीज तुम देखो क्या क्या इक्वल है, प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों ही केस में क्या है, इक्वल। फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, अगर एस आई की मैं फॉर्मूला की बात करूँ, एस आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। अच्छा अगर प्रिंसिपल और अमाउंट इक्वल है तो इंटरेस्ट भी इक्वल होगा। जो जो इक्वल है उसे हम लोग जो है थोड़ा काट लेते हैं, यहाँ एस आई इक्वल प्रिंसिपल इक्वल, ठीक है, ये 100 तो कॉमन हो गई। मतलब तो रेट और टाइम के बारे में ही ना चर्चा करनी है, मुझे रेट और टाइम ही ना निकालना है। अब एक चीज देखो कि अगर एस आई भी इक्वल प्रिंसिपल भी इक्वल तो उन दोनों का रेट इंटू टाइम भी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और रेट इंटू टाइम मैंने बताया है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है हमारा। एस आई के केस में मैं बता चुका हूँ रेट इंटू टाइम जो होता है वो क्या होता है हमारा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो पहला जो है रेट की मैं अगर बात करूँ तो रेट जो है वो है 8% और यहाँ पे है ये 4%, ठीक है। टाइम जो है वो जो भी होगा, यहाँ पे ब्लैंक और मैं ब्लैंक डाल देता हूँ, ठीक है। टाइम जो है जो भी होगा उसे दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इफेक्टिव जो यहाँ पे निकलेगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इफेक्टिव जो यहाँ पे निकलेगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। अच्छा टाइम कैसा होगा, मेरे को एक चीज बताओ, अगर पहला वाला 1 साल होगा तो ये क्या होगा, 3 साल, तब ना दोनों में 2 का अंतर आ रहा है। अगर ये 2 होगा तो ये 4 होगा, अगर ये 3 होगा तो ये 5 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये क्या होगा, 6 होगा। इसी तरीके का केस होगा ना। अब तुम चुटकी बजाते के साथ ऐसे देख लो, 8 गुने अगर 1 करोगे तो 8 और 4 3 12 बराबर आ रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर 8 गुने तुम 2 करोगे और 4 गुने तुम 4 करोगे तो यहाँ से भी 16% और यहाँ से भी 16% आएगा, तो इफेक्टिव निकल गया तुम्हारा, ठीक है। जब इफेक्टिव निकल गया तुम्हारा तो तुमसे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तुम्हें अमाउंट दिए हुआ है, किसी भी एक को पकड़ लो, एक को क्या, दोनों से तो वही आएगा। 16% अगर है तो 116 की वैल्यू 14,500 दी हुई है, तुम्हें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 14,500 बटे में 116 और गुने में कितना, 100। काट लो भैया जैसे भी काटना है, ठीक है। 125 बार में ये कट जाएगा, 125 गुने 100 12,500 ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर। ये एक चीज ध्यान में रखना, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे वो सारे जो है तुम इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एक और चीज यहाँ पे तुम देखो कि अगर रेट और टाइम ही सिर्फ बच गया तो रेट और टाइम में कैसा संबंध होगा, इनवर्स का संबंध होगा, ठीक है। रेट का रेशियो देखो 2:1 का है, ठीक है, रेट का रेशियो 2:1 का है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:2 का होगा। तुम इसके बेसिस पे भी जज करके निकाल सकते, ठीक है, इसके बेसिस पे भी। ये जो 1, 3, 2, 4 और 5 और 6 हम लोग ले रहे थे ना, 5, 7, इसके बेसिस पे भी ये पार्ट जो है तुम जज कर सकते हो अगर तुम्हें कठिनाई हो रही है। और ये 4-5 करोगे तो चुटकी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा ना एक्स्ट्रा सोचने और करने की जरूरत नहीं है इसके साथ, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है हमारा, अगला देखो क्या बोल रहा है, एट व्हाट परसेंटेज, किस रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर अ सम ऑफ रुपीज 40,000 विल अमाउंट टू 4410 इन 2 ईयर, ठीक है, किस दर पे। तो अब देखो रेट निकालना है मुझे, प्रिंसिपल मालूम, अमाउंट मालूम, 2 साल की चर्चा है, 40,000 और 2020 खत्म हो गया क्या। 2 साल में अगर ये है तो 1 साल में क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो इसे भी स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे, इसमें भी स्क्वायर रूट करेंगे, यानी यहाँ से 20, यहाँ से 21, 1/20 जो होता है ये क्या देता है, 5% देता है। बड़ा ही आसान से सवाल था, 5%, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखो। अब यहाँ से जो है ना मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझना, सवाल तो 2 कौड़ी का है, ठीक है। 2 सवाल अभी मैं समझाऊंगा और दोनों सवाल के बेसिस पे जो है एक बहुत ही बढ़िया सवाल जो है मैं तुम्हें आसानी से सिखा सकता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, 15,000 रुपया जो है इन्वेस्ट करता है राजू, बोरो करता है महेश से, ठीक है, किस रेट पे, 15% पे, अंडर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल पे। मतलब राजू को जो देना होगा वो कितना देना होगा, 15 × 3%, ठीक है, इफेक्टिव। राजू जो है उसका कुछ भाग को जो है 20% सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए लगा देता है, कुछ भाग, लेट से पहला भाग को 20% 3 साल के लिए, तो इफेक्टिव क्या हो गया, 20 × 3, और दूसरे पार्ट को जो लगाता है वो लगाता है 12 × 3 साल, ठीक है, 12 × 3 साल के लगाता है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड पेएबल, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है
वो पेएबल है, देन फाइंड द सम लेंट एट 20%, 20% है मतलब ये वाला सम, ठीक है। तो तुम यहाँ से क्या निकाल दोगे, एलिगेशन निकाल दोगे, ठीक है। एलिगेशन लगाओगे तो तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे अगर टाइम इक्वल है तुम्हारा तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे टाइम को जो है काट लोगे, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या करोगे, टाइम को जो है काट लोगे, ठीक है। और काटने के बाद तुम्हारा जो रेशियो आएगा 20 से 15 यानी कि 5 बार में, 15 से 12 चला गया 3 बार में, 3 रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब 3:5 में 15,000 को बांट लोगे यानी कि तुम्हारा आंसर जो है, मैं लिख देता हूँ 15,000 के लिए क्या हो जाएगा, 3/8, इसे सॉल्व कर लेना, ये आंसर हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये बताना नहीं था, मेरा उद्देश्य कुछ और बताना था। मेरा उद्देश्य क्या था कि अगर मान लो, मैं थोड़ा सा ये चेंज करके बता रहा हूँ, मान लो मुझे ये मिडिल वाला जो है ये नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है और ये मालूम है, मैं तुमसे ये मिडिल वाला निकालता हूँ। तो ये मिडिल वाला कैसे निकलता है, ये होता है हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये होता है इफेक्टिव रेट, ये क्या है हमारा इफेक्टिव है ना, जो हमें देना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये कैसे निकलता है, ये तुम देखो, तुम्हें क्या करना है, जस्ट 20 × 3 करना है, तो 20 × 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60, और 12 × 5 करोगे तो 12×5 भी कितना होता है, 60, पर डिवाइड कर दो इसे 5+3 यानी कि 8, 60 और 60 कितना, 120, और बटे में कितना हो गया 8, 120/8 15%, शायद 15% ही था ना यहाँ पे। ये इफेक्टिव एलिगेशन से निकालने के लिए बहुत बार तुम लोगों ने यूज भी किया होगा और इस तरीके से करा होगा, ठीक है। इसी चीज को मेन समझना है, इसी पे मैं इसके बाद वाला सवाल को जो है मैं आसान बनाता हूँ। एक और सवाल देखो इसी टाइप, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो सम है जो कि 3:7 में उधार दी गई, किस दर पे, 7% और 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। इफ द अमाउंट अर्नड इन वन ईयर, एक साल में पूरा अमाउंट जो इंटरेस्ट के रूप में अर्न करा गया वो 98 रुपए अर्न करा, तो अगर मुझे ओवरऑल इंटरेस्ट रेट मालूम हो जाए तो मैं क्या करूंगा, सम निकाल सकता हूँ। ओवरऑल कैसे मालूम होगा, 3×7 करूंगा तो 21, 7×5 करूंगा तो 35, और बटे में 10, यानी कि ओवरऑल जो आया 56/10%, जिसकी वैल्यू कितनी है, 98 है, तो मुझे 100% निकालना है, 100% निकाल दो, 98/56 और गुने में 100, फिर इसे सॉल्व, और यहाँ पे 10 भी, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना जैसे तुम्हें काटने का मन हो। 7 से काटना है, 7 से काट दो 8 बार में, 7 से काट दो इसे तुम 1 और 4 बार में, बाकी इसे काट लो कोई 8 से 125 बार में, 125×14 कर लो इसे, कोई मतलब नहीं, मुझे ये समझाना था ये वाला पॉइंट, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम देखो, मैं इफेक्टिव जो निकाल रहा हूँ इसे मैं एवरेज रेट बोल सकता हूँ। सिमिलरली एक प्रकार का ये क्या हो गया, एवरेज रेट ही हो गया ना, दो अलग अलग सम है। तो अब ये अगर तुम्हें मालूम होगा, ये इफेक्टिव निकालने मालूम होगा, तो तुम आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, देखो कितनी आसानी से, ठीक है। CPO 2019 में ये पूछा गया था सवाल, ठीक है। मैं इसलिए ले रहा हूँ इसे क्योंकि आज के डेट में तुम्हें मालूम होगा, चाहे वो SSC हो चाहे वो बैंक हो, दोनों का एग्जाम जो है वो TCS को ही कंडक्ट कराना है, और ये 2019 में CISI का बहुत ही बेहतरीन सवाल पूरा लेके रखा था इन्होंने, और शुरू से लेके अंत तक अभी हम लोगों ने जो सवाल बहुत सारे डिस्कस किए, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो CPO के हैं, ठीक है। लेकिन हमें बैंक को भी ध्यान में रखना है, तो ये चीज़ ध्यान में रहे कि किसी भी सवाल में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे या कोई भी आलतू फालतू कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ तुम यहाँ पे समझो कि तुम्हें क्या दिया है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड 10,500 x% पे और सिंपल इंटरेस्ट पे, और एक सम जो है 13,500 है x+2% सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये 10,000 ना होता और ये 10,000 और 13,500 का रेशियो दिए हुए होता तो क्या होता, 10,500 का रेशियो, 2020 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 15 से 9 बार में, 15 से 7 बार में, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट फॉर 3 ईयर इज 765, टोटल इंटरेस्ट जो अर्न हुआ 3 साल में वो कितना अर्न हुआ, 7650 अर्न हुआ 3 साल में, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में मतलब एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। अब एक सिंपल सा चीज समझो कि अगर ये 7 है और ये x है, ठीक है, तो मैं तुमसे यहाँ पे एवरेज रेट निकालने को बोलूँ, तो एवरेज रेट तुम कैसे निकालोगे, 7×x 7x, 9×x 9x, +9 × 18, और बटे में तुम क्या कर दोगे, 7+9 अभी मैंने तुम्हें समझाया था, तो ये कुछ 16x+18,
और नीचे में 16 और नीचे में 16 कुछ इस तरीके से निकल जाता है क्या, 16 16 यानी कि ये x प्लस कितना निकल गया 18/16। इसे अब तुम जैसे चाहो ट्रिक में बोल सकते हो, 9 × 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, 9 × 2 = 18 और 9 × 7 = 16 और x तो है ही दोनों में, जैसे बोलना है ट्रिक के बेसिस पे तुम बोल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बता दिया। चाहे तुम इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसीलिए मैं सवालों के साथ कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जितने भी इस पैटर्न के सवाल आएंगे उसे तुम बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे जाओ और अटक जाओ कि अच्छा ऐसा तो मतलब ये तो लिमिटेड है, रुक जाए तुम्हारा हाथ, नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी हाथ नहीं रुकना चाहिए, जस्ट एक एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलो अब यहाँ से समझो, यहाँ पे तुम्हारा क्या, अब अगर 3 साल में 7650 हो रहा है कितने रुपए पे, 10,500 रुपए और 13,500 यानी कि 24,000 रुपए पे, तो टोटल यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं इधर से निकाल लूं, ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं इधर से निकाल लूं तो 7650 गुने में 100 बटे में 24,000 गुने में 3 मिलेगा, 3 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये 9 से कट जाएगा शायद, ठीक है। तो 9 से जब इसे तुम काटोगे तो 9 से ये 8 बार में और 68 72 और 45 45 और 3 से यहाँ 8 और 3 से ये 3 3 9 कितना आ गया, 85/8% आ गया क्या, ये दोनों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इक्वल ही है ना, इसे भी काट दो 2 से 9 और 2 से 8 बार में, 9 अगर 9/8 85/8 में चला जाएगा तो x की वैल्यू डायरेक्ट तुम लिख सकते हो ना, x की वैल्यू कितनी लिख सकते हो डायरेक्ट, 76/8 50 में 9 चला जाएगा तो 76 ही बचेगा और 76/8 = 72 और 40 9.5% दे देगा, हो गया तुम्हारा 9.5%। तो किसी भी जो सवाल होते हैं उनके पूरे बेसिक्स को जान लोगे ना तो कभी भी सवाल में अटकोगे ना। हाँ अगर यही तुम्हें मैं डायरेक्ट बोलता कि देखो यहाँ पे 9 × 2 = 18 यहाँ डायरेक्ट मैं इसी ट्रिक को लिख देता ये वाला ट्रिक को, तो ये सही नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये निकाल लो तो दोनों को बराबर कर दोगे तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तो आज का सेशन हम लोगों का यहीं तक है, ये आखिरी का एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके मुझे आंसर बताना, जहाँ तक अगर पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं एक प्रैक्टिस सीट भी बहुत जल्दी सीआई का जब खत्म करूंगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। अगर आप लोग नए हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए आपको हमारे सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना होगा, जो कि हमारा इस नंबर पे 2401561। अपना गुड नेम और सोर्स दो चीज़ आपको बताना है, एक आपको बताना है गुड नेम और दूसरा आपको बताना है सोर्स कि आपने ये कहाँ से देखा, ये नंबर आपको कहाँ से मिला, माइट भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या आपको किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया है, जो भी है आप इससे मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे हैं तभी आप मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं, वरना मेरा टेलीग्राम ओपन नहीं होता है, ठीक है। मैं उन्हीं लोगों के लिए मेहनत करता हूँ जो इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। मैं ग्रुप्स का हालत देख चुका हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनका हालत देखता हूँ मैं, मुझे वैसा नहीं करना है अपने ग्रुप्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपका, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।